हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो हम आरसीएम का सर्विस लेते हैं वो हमारी जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी भी हो सकती है, एडवोकेट का भी हो सकता है, रेंट का भी हो सकता है जो मैं हमारी रेंट पे आरसीएम अप्लीकेबल है। तो उसकी जो हमें इनवॉइस रिसीविंग होती है, तो आरसीएम के अंदर क्या होती है, बेसिकली हमें पोर्टल पे लायबिलिटी भी दिखाना पड़ता है और अगले महीने हम उसको एज ए इनपुट क्लेम भी कर लेते हैं। तो हमें जो इनवॉइस रिसीविंग होती है, तो वो हम टैली के अंदर कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो हम देख लेते हैं, जो हमें कोई भी इनवॉइस मान लेते हैं, जिसमें कॉरियर का हो गया, जीटीए का, एडवोकेट का हो गया, तो वो जो हमें रिसीव होती है उसकी हम एंट्री कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको वाउचर में आ जाना है, देन जनरल वाउचर जिसका शॉर्टकट की F7 है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं हमें जीटीए की सर्विस लिया है, जिस पे आरसीएम अप्लीकेबल है, मतलब जो भी हमारा ट्रांसपोर्टर है उसने जीएसटी लगा के नहीं दिया। अगर इनवॉइस में जीएसटी ऐड है तो हम आरसीएम की मतलब आरसीएम के अंदर एंट्री नहीं करेंगे, वो हमारी पोर्टल पे ऑटोमेटिक आएगा जब अगला R1 फाइल करेगा। बट अगर आरसीएम अप्लीकेबल है, उसने जीएसटी नहीं लगाया इनवॉइस में, तो हम उसको लाइबिलिटी खुद दिखाएंगे और इनपुट क्लेम करेंगे। तो हम मान लेते हैं हमने जीएसटी के सर्विस यहाँ पे लिया हुआ है। तो हम जीटीए का सर्विस यहाँ पे आप लेंगे। इसका लेजर क्रिएट करने के लिए आप नॉर्मल इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर लेंगे, जीटीए सर्विस देना आपको सेव कर देना है। मान लेते हैं हमारी जो टैक्सेबल वैल्यू है वो 10,000 है। अब यहाँ पे आपको अगर इंटर स्टेट है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जिससे आप सर्विस लिया, तो IGST लगाएंगे। अगर इंटर स्टेट है, एक ही स्टेट है, तो CGST HGST लगाएंगे। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं हमारा जो अधिकतर GTA का सर्विस होता है वो एक ही स्टेट से लेते हैं। तो RCM का जो हमारी इनपुट और आउटपुट की जो लेजर होगी वो नॉर्मल लेजर से जो हमारी सेलर परचेज के अंदर चलती है नॉर्मल, उसमें आप मत डालिएगा, क्योंकि फिर आरसीएम का दिक्कत हो जाएगा। आप सेपरेट लेजर डालिएगा, क्रिएट कीजिएगा टेली के अंदर या फिर जो भी आपका अदर सॉफ्टवेयर हो, तो ज़्यादा बेटर है। तो मैं यहाँ पे लेजर क्रिएट कर लेता हूँ, CGST RCM इनपुट। इसको आपको ड्यूटीज इन टैक्सेस में लेना है, जैसे आप नॉर्मल लेजर क्रिएट करते हैं, GST सेंट्रल टैक्स, देन आपको एंटर कर देना है। तो हमारा 18% मान लेते हैं, 10,000 का 18% हो जाएगा 1,800 रुपये, तो 9% 900। देन आपको यहाँ पे एच जी एस टी लेना है। तो मैं HGST का भी लेकर कर लेता हूँ, HGST RCM इनपुट। आपको ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर इसको भी लेना है, GST और स्टेट टैक्स, इसका भी आ जाएगा 900 रुपये। अब यहाँ पे आपने क्या किया है, अपना इनपुट तो दिखा दिया है, जो आप आरसीएम की लायबिलिटी पे करेंगे वो इनपुट क्लेम करेंगे, बट हमने यहाँ पे भी लायबिलिटी नहीं दिखाई है। तो आप लायबिलिटी का आरसीएम की होगी जो अलग लेजर क्रिएट कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ CGST आरसीएम आउटपुट, इसको भी ड्यूटी टैक्सेस के अंदर लेना है, GST सेंट्रल टैक्स। अब यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं, ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर आप इसका एक अलग हेड बना सकते हैं, इसके अंदर एक और ड्यूटी एंड टैक्सेस TDS और GST का अलग हो जाएगा। तो आपका क्या होगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर GST का अलग से बन जाएगा और जो हमारी RCM की हो जाएगी अलग से बन जाएगी। तो आप ऐसे कर सकते हैं, बट ज़्यादा बेटर है आप ऐसे कर दें तो ज़्यादा सही है। हम फिलहाल अभी एक ही में डाल रहे हैं। तो जितनी हमारी लायबिलिटी होगी उतनी हम इनपुट क्लेम करेंगे, तो 900। देन SGST RCM आउटपुट, इसको भी रिटर्न टैक्स के अंदर लेना, GST स्टेट टैक्स, और आपको सेव कर देना 900। अब यहाँ पे आपको पार्टी ले लेना है,
जिस पार्टी का इनवाइस है हमारे। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, 10,000 का इनवाइस था जिस पे जीएसटी नहीं लगा हुआ था। हमने क्या किया, 1,800 रुपये अपना इनपुट दिखा दिया और 1,800 रुपये हमने लाइबिलिटी दिखा दिया। तो हमें ये पोर्टल पे अपनी लाइबिलिटी भी दिखानी है और इनपुट भी दिखाना है। अगर हमारा जो ट्रांसपोर्टर है जिससे हमने सर्विस लिया है वो अगर रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर और वो अपना R1 फाइल करता है, अपनी अगर वो जीएसटी R1 फाइल करेगा RCM के अंदर, तो हमारे जीएसटी R2B के अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगा कि हमारी जो इन्होंने रिटर्न फाइल करी है तो हमारी RCM के अंदर लाइबिलिटी बनती है। अगर वो रजिस्टर्ड है और R1 फाइल करता है तो जीएसटी R1 फाइल करता है, तो अगर वो नहीं करता है तो हम खुद लाइबिलिटी दिखाएंगे 3.1 के अंदर और फिर अपनी टेबल 4 के अंदर हम इसको क्लेम भी करेंगे, जो मार्जिन पे करेंगे वो जीएसटी पोर्टल पे। तो हम टेली की एंट्री का देख लेते हैं। तो बेसिकली हमारा यही था, टेली के अंदर जो अगर RCM के अंदर आप सर्विस रिसीव करते हैं कोई भी सर्विस हो, तो आपको इस तरह से टेली के अंदर रिकॉर्ड करना है जिसमें आपका इनपुट भी आ जाएगा और आउटपुट भी आ जाएगा। ये हमारी हो गई नॉर्मल एंट्री। अगर आप इसी इनवॉइस के अंदर TDS डिडक्ट करते हैं, जो आप अगर सर्विस लेते हैं तो आप क्या पास अगर 10 नंबर है और आप TDS डिडक्ट करते हैं, तो यहीं पे लास्ट में मान लीजिए हमारा ये कॉन्ट्रैक्टर के अंदर डिडक्ट होगा 2%। पहले मैं एंट्री को सेव कर देता हूँ। ये हमारी हो गई नॉर्मल एंट्री। अगर हम इसी इनवॉइस में TDS डिडक्ट करना चाहते हैं तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो मैं सेम लेता हूँ GTS सर्विस, उसी वैल्यू को मैं लेता हूँ 10,000 SGST RCM इनपुट 900, सॉरी CGST था, अब मैं SGST लेता हूँ 900। देन मैं लाइबिलिटी दिखाता हूँ, देन CGST RCM आउटपुट। अब जो हमारी ये पार्टी जिससे मैंने सर्विस लिया है उसको मैं TDS काट के पेमेंट करूँगा, तो मुझे TDS गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ेगा, TDS की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो मैं इनवॉइस के अंदर TDS डिडक्ट करूँगा जो भी उसका एज पर सेक्शन हमारा परसेंटेज बनता है। तो हमारा ये 194C जो हमारा होता है कॉन्ट्रैक्टर का, उसके अंदर TDS डिडक्ट कर रहा हूँ। इसका मेरे 2% होगा, कंपनी है। मैं TDS करता हूँ, TDS एंड कॉन्ट्रैक्टर हमारी 10,000। TDS हमारा हमेशा टैक्सेबल वैल्यू पे करता है, तो 10,000 का 2% हो जाएगा 200। देन जो भी बैलेंस पेमेंट बचेगा वो हमारी पार्टी के अंदर, जो हमारी पार्टी है जिससे हम सर्विस ले रहे उसके अंदर आ जाएगा। तो 9800 हम इसको पेमेंट करेंगे। तो ये हमारी एंट्री होती है TDS कार्ड के जब हम पेमेंट करते हैं। तो हमने यहाँ पे दो एंट्री देखा, एक देखा नॉर्मल जिसमें हम TDS डिडक्ट नहीं करते हैं, दूसरा हमने देखा जो TDS डिडक्ट करके जब हम पार्टी को किसी पेमेंट करते हैं। तो हम टेली के अंदर कैसे एंट्री करेंगे, तो बेसिकली यही था, जो आप जब अगर किसी RCM के अंदर सर्विस लेते हैं तो टेली के अंदर कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, जिसमें इनपुट भी आना चाहिए और आउटपुट भी आना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।